अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अम्बीन काशिफ। वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया वो है चंकी ग्लिटर्स के साथ, और ये सिल्स ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो ज़रूर आप लुक अचीव कर सकेंगे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अपने आईज को कर लूँगी शेप अप क्रिस्टीन के केक लाइनर के साथ, इंटरफेनेंस कलर के साथ। मैं अपने आईब्रोज को कर लूँगी शेप अप। पहले अपने आईब्रोज की एक लाइन क्रिएट कीजिए, फिर इसे अंदर आसान फिल कर लीजिए, तो आपके आईब्रोज बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपने आईब्रोज को कर लिया है सेट। और अब हम करते हैं अपने आईज का बेस कम्प्लीट। इस रोज़ के कंसीलर की मदद से मैं अपने आईब्रोज का बेस बना लूँगी, फिर उसके बाद हम मेकअप करेंगे एक फ्लैट ब्रश की मदद से। इसे आप अच्छे से अपने आईब्रोज का बेस को सेट कर लीजिए। लुक अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे एक पाउडर फॉर्म के मदद से बेस को सेट कर लेंगे, ताकि हमारा आईज बेस हो जाए कंप्लीट। उसके बाद अब हम अपना आईज मेकअप शुरू करेंगे। ब्लैक शेड ले लूँगी मैं अपने आईब्रो के एक पुराने पैलेट से, मैं अपने ब्लैक शेड ले लूँगी। इसे आउटर कॉर्नर से लगाते हुए एक लाइन क्रिएट कर लूँगी पूरी आईबॉल के ऊपर, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। एक इनर कॉर्नर पे भी मैं लगा लूँगी, और आउटर कॉर्नर पे भी ब्लैक कलर की एक अच्छी सी लाइन क्रिएट कर दूँगी जो आपको तकरीबन दिख रही होगी। उसके बाद मैं ये देखिए आपको दिख रहा है। अब मैं मिस ग्लैमर्स के पैलेट से मैं एक पर्पल शेड लूँगी, और उसको मैं इस ब्लैक शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिए, जो कि हमें ये लाइन हमने क्रिएट की है ब्लैक कलर की, वो पूरी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी ब्लैक लाइन है उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि एक कोई पूरी हार्श लाइन ना दिखे। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे से मेकअप को क्रिएट करने के लिए। तो ब्लेंडिंग देखती हूँ मैं जब तक ये ब्लेंड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो लेकिन देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मिस रोज़ का कंसीलर लूँगी और मैं अपने आईब्रोज को सेंटर से कट करूँगी। ये देखिए मैं अपने आईब्रोज को सेंटर से इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दूसरा कलर अप्लाई करना है, इसलिए मैं ये अलग को सेंटर से कट कर लूँगी। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं इसे ब्रश से सेट कर दूँगी ऊपर की लाइन को बिल्कुल नीट करके। मेरी आईज की जो है शेप ऐसी है कि वो ऊपर के साइड लगती नहीं है, इसलिए आईब्रोज की कट क्रीज को मैं खुद ही मैनेज करना पड़ता है। बोथ साइड पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखो आपको कट क्रीज साइज में दिख रहा होगा, फिर मैं इसको पाउडर की मदद से सेट कर लूँगी। अब ब्लैक शेड लूँगी और दोनों तरफ जो मेरे एजेस दिख रहे हैं उसको इस ब्लैक कलर के साथ मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग सा लुक आए। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसी ग्लैमर के पैलेट से मैं एक शिमरी पर्पल शेड लूँगी, और उसे अपने आईलेट पे जो कि हमने कट क्रीज किया है उस एरिया पे मैं अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। जी तो इसे मैं कर लूँगी अपने आईज के सेंटर पे अप्लाई। अब मैं लूँगी ब्लैक शेड, क्योंकि हमारा येलो शेड अप्लाई करने के बाद हमारा ब्लैक शेड हल्का हो गया था, तो मैं आउटर कॉर्नर पे भी इनर कॉर्नर पे भी अपना ब्लैक शेड को इस शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं बेस अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। लीजिए बेस हो गया है कंप्लीट। हाँ जी, तो अब करते हैं सीलर अप्लाई। सिल्स ब्यूटी का सीलर है, उसे मैं अपने सेंटर पार्ट पे जो कि मैंने कट क्रीज किया है वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब सिल्स ब्यूटी के ही चंकी ग्लिटर्स हैं, उसे पर्पल शेड का, उसे मैं अपने आईब्रोज के सेंटर पार्ट पे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट हैं, तो प्लीज़ इनके पेज पे विज़िट कीजिए और इनकी चीज़ें आप देखिएगा, बहुत बेस्ट क्वालिटी की हैं, ज़रूर देखिएगा इनकी चीज़ें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं आपके सामने आती रहूँ। तो चलें मैं करती हूँ अपने आईब्रोज को ब्रो बोन को हाईलाइट। तो वाइट गोल्ड शेड लूँगी और उसे अपने
ब्रो बोन के पे लगा दूंगी और इसे अपनी फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग फिंगर की मदद से बहुत ही बेस्ट होती है। अब मैं वही पर्पल शेड लूंगी और अपने वाटर लाइन पे काम करूंगी और एक छोटे से ब्रश कट ब्रश की मदद से मैं इसे आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर के साइड ले आऊंगी। कैलिजोना की वाइट पेंसिल लूंगी और मैं उसे अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर दूंगी। अब नीचे ब्लैक शेड लूंगी और उसे अपने वाटर लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि वाइट पेंसिल अप्लाई करने के बाद जो कि हमें दिख रहा है वो लुक हमें अचीव हो जाए। अब मैं मस्कारा लूंगी और अपने लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। बट मुझे ये वाइट पेंसिल इसके साथ अच्छी सी लग नहीं रही है। चलें लैशेस कर देती हूँ अप्लाई और हम अब कर लेते हैं अपने लाइनर को। सिर्फ लाइनर की मैं इनर कॉर्नर बनाऊंगी क्योंकि इसमें मैं पूरा लाइनर अप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ। मुझे वाइट पेंसिल अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं इसमें अपने काजल पेंसिल अप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे आईज़ का लुक ब्यूटीफुल। अब लग रहा है ना ब्यूटीफुल लुक, तो ब्लैक के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। लीजिए जनाब, मेरा मेकअप लुक हो गया है कम्प्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना कम्प्लीट लुक। अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।